हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और अभी हम जाएंगे शिव भोलेनाथ जी के मंदिर में, और वो यहीं साथ में ही है, सोशल नाम जगह है, वहाँ पे है। तो आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। और अभी मैं और मेरा ये एक ये भतीजा है देवेंद्र, तो हम दोनों जा रहे हैं। और थोड़ी सी आगे से और मंडली भी जाएगी, पर मंडली वहीं पे इकट्ठी होगी क्योंकि बाइक पे दो ही जने जाएंगे। और अभी चलते हैं हम, और आप लोग हमारे साथ चलिए, और आप लोग भी मजे लीजिएगा, दर्शन कीजिएगा भोलेनाथ जी के। चलो फिर चलते हैं, और घोटा भी पियेंगे आज तो, पर मैं भांग वाला घोटा नहीं पीऊँगा, सिंपल पीऊँगा, मैंने आज तक नहीं पिया कभी। हम आ गए हैं जी यहाँ सोसन जगह पे, और यहाँ पे है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो अभी हम ना मत्था टेक लेते हैं। और तो जो यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे घोटा भी है, तो घोटा भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी सभी जितने भी भक्तजन होंगे वो यहाँ पे आएंगे, मत्था टेकेंगे और गुणगान करेंगे भोलेनाथ जी का। तो अभी हम तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो अभी हम टेक लेते हैं मत्था, और आप लोग भी चलिए भोलेनाथ जी के मंदिर। और भी मंदिर यहाँ पे, माता रानी का मंदिर है यहाँ पे, देखिए ये है माता रानी का मंदिर। और इधर जो है, इधर ये भंडारे के लिए है, और यहाँ पे जो है वो भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो अभी हम दर्शन कर लेते हैं सभी भाई प्रवेश। और ये राधा कृष्ण जी है यहाँ पे, कितनी अच्छी है ना राधा कृष्ण जी की मूर्ति। और आगे चलिए, ये तो यहाँ पे भैरव बाबा और ये वीर बजरंग बली जी हैं, और यहाँ पे माता रानी का, ये देखिए ये रहा माता रानी की मूर्ति है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी है। और ये सरस्वती माता, और ये लक्ष्मी माता है, और ये यहाँ पे सरस्वती माता है। और अपने गणपति बापा जी यहाँ पे विराजमान है, और माता रानी के भी आपको दर्शन करवाते हैं अंदर जाके। ये देखिए माता रानी, काफी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, ये देखिए। आप बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को माता रानी। वाह, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अधर मुरलीगिरि धरम।
तो यहाँ पे है घोटे का इंतजाम। तो भोले बाबा जी का घोटा, भोले बाबा जी का प्रसाद। देखिए चाचा, यही बच जाएगा, यही बड़ा मीठे दोस्त। तो आज हम ना शिवरात्रि के अवसर पे जो है वो फलाहार बनाएंगे। तो कौन सा फलाहार बनाएंगे, दो तीन प्रकार का जो है हम बनाएंगे, तो दिखाएंगे आप लोगों को हर एक चीज़। और ये देखिए, ये है गुड़। गुड़ को हमने जो है वो काढ़ने रख देना है, मतलब उबलने रख देना है, और जब तक इसकी चाशनी ना बन जाए तब तक हमने जो है वो इसको उबालते रहना है। और देखिए, ये डाल दिया इसमें हमने पानी। बस हमने इतना पानी डालना है, और अब हमने इसको ना पीछे वाले जो आउंदा बोलते हैं, आउंदा, उसमें रख देना है। और आगे हमने और बनाना है कुछ। ये देखिए, ये हमने जो है वो पीछे रख दिया है, उचला भी देते हैं मुन्नी। उचला पता किस चीज़ को बोलते हैं? उचला बोलते हैं। ये देखिए, ये जो ये पत्थर लगाया ना इसके नीचे, अब क्या होगा कि आँच जो है वो पीछे भी जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पड़े हुआ। ये जो ये पत्थर जैसा दिया, और यहाँ पे हमने रख लिया कढ़ाई। तो कढ़ाई क्यों रखी है, तो आप देखिएगा इसे कि क्यों हमने जो है वो कढ़ाई, हमने पीछे जो है वो आप लोगों को बताया था मैंने कि हमने मीठा जो है वो गुड़ जो है वो करने छोड़ दिया है। और ये देखिए, ये है बत्थू बोलते हैं हम इसे अपनी भाषा में, बिलासपुरी भाषा में इसे बोलते हैं बत्थू, और वैसे बत्थू बोलते हैं। तो ये अभी जो है हम बनाएंगे कि कैसे हम इससे का फलाहार जो है वो बनाते हैं शिवरात्रि के त्यौहार पे। जय भोले शंकर, जय हो भोले शंकर। ये देखिए, हमने जो है वो बत्थू डाल दिया है कढ़ाई में, और ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। कढ़ाई ठंडी तो ये देखिए, हम सबसे पहले जो है वो ऐसे हम ये डाल देंगे बत्तू इसमें, और इसको जो है वो कैसे हमने भूनना है, तो देखिए आप कैसे चटर 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 होगी। अगले कर ये देखिए, और ये देखिए, ये भुन गया जी। देखो बत्तू भून गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। दिख 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 दिख। और ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये चूल्हा होता है ना, इसमें डाल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो ये बसंतर देवता, अग्नि देवता होता है, इसको जो है वो चढ़ाते हैं। और ये अब हमने जो है अपने घर के लिए जो है वो कर लेना है। ये अब बनेगा इसका जो है वो फलाहार के लिए जो है हम अब बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो है वो इधर चूल्हे पर लगा दिया था, और ये देखिए, ये अब हो गया है ना, भुन गया है ना। और ये हम उठा देते हैं, ज़्यादा भी नहीं, हमने सेक लगाना है। ज़्यादा सेक अगर लग गया ना तो वो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो है हमने ऐसा जैसा बनाना है। और ये देखिए, सेकंड प्राव भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये ए हमने सेकंड प्राव के लिए जो है वो डाल दिया ना, तो ये हम ऐसे ऐसे बस इसे चलाते रहना है। और ये जो ये है ना, ये चीज़ है, ये कपड़ा हमने लकड़ी में बांधा है, ऐसा मत सोचना कि ये स्पेशल कुछ है। तो कपड़ा ऐसे मोटा करके हमने ऐसे बांध लेना है, और कुछ नहीं। ये देखिए, अब
अब जो है वो भूनना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये भून गया। और अब हमने जो है फिर दोबारा से उठा लेना है इसको। बस ऐसे हमने जो है भून लेना है सारा। ये बन गई हमारी बत्थू की खिल्ले। ये देखिए, ये खिल्ले बोलते हैं। तो भाई अभी ना यहाँ पे माता जी भी नहीं है, वो बनाते थे तो मैंने सोचा कि मैं ही बना लेता हूँ आज। और ये देखिए ऐसी बनी। और अभी इसका हमने कैसे फलाहार बनाना है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। और ये देखिए, ये उठा ली हमने वो गुड़ की चाशनी। और ये जो है ये बन गई। तो ज़्यादा हमने ये इसको ऐसा नहीं है कि इसकी हमने लार बनानी है, बस हमने ऐसे जैसे ही बनानी है। और अब हमने जो ये देखिए बत्तू हमने जो भुना था, जो हमने खिल्ले बनाई थी, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए, ये पहलूरे तीरने में किए जाने हुए। और ये देखो, बस हमने ऐसे क्या इसमें ना, हम अगर हमारे पास कद्दू होता तो कद्दू हमने पहले क्या करना था कि मीठे मीठा कद्दू बनाना था, फिर उसमें ये बत्थू डालना था। पर एक्चुअली अभी हमारे पास जो है वो कद्दू नहीं है, तो इसका फलाहार जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, अब इसको हम इसमें ना दबोते रहेंगे। और ये ऐसे, ये जोर जोर से हिलाना पड़ेगा, ये ऐसे। देखिए ऐसे इसमें अभी सारा आ जाएगा ये, और ये कम ना पड़ जाए इसलिए देखो। ये देखिए, और अब हम सारा इसमें जो है वो डाल देते हैं। पहले हम ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ये फिर ज़्यादा ही हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है, और ऐसे हमने जो है इसको हिलाते रहना है ऐसे, ताकि ये अच्छे से जो है वो नीचे तक इसके घुल जाए, और इसमें जो जो मीठा है वो आसानी से जो है वो इसमें अंदर तक चला जाए। और ये देखिए जी, ये बन गया हमारा, ये फलाहार बन गया, बत्थू का फलाहार। और अभी हमने जो है ये देखिए, ये तैयार कर लिया है। और ये अभी हमने जो है वो भोग लगाने भी लेके जाना है। तो ये बच्चा लोग जो है वो मंदिर के पास जाएंगे, और वहाँ पे भोलेनाथ जी को जो है भोग भी लगा लेंगे, और वहाँ पे पूजा भी कर लेंगे। ये देखिए, ये बन गया हमारा जो बत्थू। ये देखिए, ये बन गया हमारा फलाहार बत्थू वाला। हम फलाहार जो है वो भोग के लिए डाल रहे हैं। ये देखिए, ये डाल दिया हमने फलाहार जो है वो भोग के लिए। और ये बच्चे लेके जाएंगे, अब भोग लगाएंगे।